गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने भी हमारे वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है। तो इसी तरह हम आपके लिए आगे भी नई नई डिशेस लेकर आते रहेंगे। आज वीकेंड है, सैटरडे है, यहाँ बहुत ही सर्दी हो रही है तो हम कॉफ़ी पी रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो जॉइन अस। और आज हमने कुछ डिफरेंट बनाने का सोचा है। साउथ इंडियन डिशेस हमेशा ही अच्छी होती हैं क्योंकि उनमें बहुत कम ऑयल डलता है, मोस्टली दे आर स्टीम्ड एंड कुक्ड लाइक दिस ओनली। सो आज भी हम एक साउथ इंडियन डिश बनाने जा रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसका नाम है अप्पम और उसमें हम कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। सो हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। हमने लिया 1 कप सूजी, उतना ही हमने लिया है कर्ड, फिर हमने लिया कैप्सिकम, टोमेटो, स्वीट कॉर्न्स, 1 इंच जिंजर ग्रेट किया हुआ, धनिया पत्ती, इनो, कुछ करी लीव्स और थोड़े स्पाइसेस। और हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है पीस, मटर के दाने जिनको हमने बॉईल कर लिया था, उसके बाद हमने इनको मिक्सी में क्रश कर लिया है। अब हम एक इस सूजी में हम सबसे पहले हम डालेंगे कर्ड, उसके बाद हम दूसरे मसाले डालेंगे, इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा हम डालेंगे कैप्सिकम, थोड़े से डालेंगे हम कॉर्न, फिर टोमेटोस, जिंजर और धनिया लीव्स, और इसमें हम डालेंगे कुछ अब मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार, थोड़ा हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, हल्का सा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, फिर हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। अगर हमें बैटर ठीक लग रहा है तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। बैटर को बहुत ज़्यादा ना ठीक रखना है और ना ही ज़्यादा पतला होए वो। थोड़ा सा और डालेंगे हम वाटर, अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम थोड़ी देर साइड पे रख देंगे। अब जो हमने पीस का पेस्ट लिया है उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा डालेंगे मिक्स्ड हर्ब और इसको हम सबको मिक्स कर लेंगे और इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो अब हम इसमें लास्ट में हम डालेंगे इनो, एक पैकेट डालेंगे हम, और हल्का सा उसमें हम डालेंगे हल्का सा पानी। ये रिएक्शन हो गया इसमें और अब ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब हम इधर पैन में थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे सब जगह, थोड़े से हम डालेंगे हर एक में मस्टर्ड सीड, सब में डाल लेंगे हम कड़ी पत्ता, हमने सब में हल्का हल्का डालेंगे बैटर थोड़ा थोड़ा। अभी हम कम डालेंगे क्योंकि इसमें हम डालेंगे पीस बॉल, थोड़ा
सब में हम डाल देंगे एक एक टी स्पून, इसके बाद हम ऊपर से फिर से डाल देंगे बैटर। तो ये हमारे वेजिटेबल स्टफ्ड अप्पे तैयार होंगे। ये बहुत ही झटपट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं चाय के साथ। बहुत ही स्वाद लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। अब हम इन्हें ढक के रख देंगे। अब हम एक एक करके अपम्स को टर्न कर लेंगे। ये देखो एक तरफ से बिल्कुल पक गए हैं। ये सारे अप्पों को हमने टर्न कर दिया है। अब 2 मिनट्स के लिए अब हम इन्हें और पकाएंगे। अब हमारे अप्पे दोनों तरफ से देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं, अच्छे गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं ये दोनों तरफ से। और अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये देखिए। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारे अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। इनको हमने सर्व किया है सांभर और कोकोनट चटनी के साथ। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसे लगे। अप टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।